Now, let us do activity 8. Animal idioms. Animal means prani, right? और idioms means मुहावरे. आपने देखा है कभी कि मुहावरे होते हैं, उसके meanings difference होते हैं, right? Animal idioms means animals के name use करके मुहावरे बनाना, right? So let us do this activity. Read the idioms and their meanings carefully. हमको क्या करना है, जो idioms दिए हैं उसके meanings carefully read करने हैं. And try to make 3 sentences for each idiom after reading and discussing the examples given below. और फिर क्या करना है, हमको जो examples दिया है उसको discuss करना है और फिर इस idioms को use करके हमको 3 sentences बनाने हैं, right? So let us see first idiom, cat nap means a short sleep. थोड़ी देर सो जाते हैं ना, उसका एग्जांपल है आई एम गोइंग टू हैव ए कैट नैप व्हाइल यू आर कुकिंग डिनर, कि आप जब कुकिंग कर रहे हो तब तक मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, राइट? तो दूसरे एग्जांपल्स क्या बन सकते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स क्लास चालू होता है या कोई ब्रेक होती है तो थोड़ी देर सो जाते हैं, राइट? तो यू कैन यूज़ दिस इन अ सेंटेंस, राइट? सो एग्जाम्पल 1, माई ब्रदर टूक ए कैट नैप ड्यूरिंग ब्रेक. 2, मदर टेक्स ए कैट नैप इन द आफ्टरनून, मम्मी थोड़ी देर सो जाती है ना आफ्टरनून में. एंड 3, मिस्टर पटेल हैड सम टाइम फॉर ए कैट नैप बिफोर द मीटिंग, राइट? 2, कॉपी कैट मीन्स ए पर्सन हु डज द सेम थिंग एज समवन एल्स, किसी पर्सन की कॉपी करना. कॉपी कैट मतलब कि दूसरे पर्सन जैसा कर रहा है वैसा सेम करना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज सच ए कॉपी कैट. फर्स्ट सी बॉट द सेम कार एज मी एंड नाउ सी हैज़ अप्लाइंग टू माई स्कूल. आपने देखा होगा घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सबकी कॉपी करते हैं, राइट? जो बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे बच्चे भी करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉपी कैट, राइट? उसके एग्जाम्पल्स है दूसरे, सोहम इज ए कॉपी कैट बिकॉज ही वियर्स द सेम क्लोथ एज हीज ब्रदर, राइट? 2, डोंट बी ए कॉपी कैट, यूज ऑल इमेजिनेशन एंड ड्रो ए पिक्चर. आपने देखा होगा ड्राइंग कॉम्पिटिशन होती है तो सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं, राइट? सो डोंट बी ए कॉपी कैट, राइट? एंड 3, वाई डोंट यू राइट योर ओन सेंटेंस, डोंट बी ए कॉपी कैट. एग्जाम में भी ऐसा होता है, दूसरे पर्सन की कॉपी करके सेंटेंस लिख देते हो, राइट? अपने नहीं लिखते हो, तो डोंट बी ए कॉपी कैट, राइट? 3, नंबर डॉग डेज मीन्स वेरी हॉट डेज, बहुत गर्मी होती है उन दिनों को क्या कहते हैं, डॉग डेज. फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप इन द बेसमेंट ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ ऑगस्ट. यह एग्जाम्पल में अगस्त की बात की है, बट वी हैव वेरी हॉट डेज इन समर, राइट? सो एग्जाम्पल में हम क्या यूज़ करेंगे, समर. फर्स्ट, इट्स द बिगिनिंग ऑफ डॉग डेज इन समर. 2, आई ईट लॉट्स ऑफ आइसक्रीम टू बीट द समर डॉग डेज. हम आइसक्रीम खाते हैं ना गर्मी कम करने के लिए. एंड 3, टॉम कांट लिव इन द डॉग डेज ऑफ समर, राइट? ओके, देन नेक्स्ट, हैव ए काउ मीन्स गेट एक्सट्रीमली अपसेट ऑफन ओवर समथिंग स्लाइट मीन्स कुछ बैड हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर हैड ए काउ व्हेन
She realized nobody had done the homework. Teacher ने देखा कि कोई homework नहीं लाया है, तो वो upset हो जाती है, right? Had a cow, extremely upset, right? तो दूसरा example क्या बन सकता है? आप fail हो जाते हो तो आपके father upset हो जाएंगे ना, right? So दूसरे example, first father had a cow when I failed. Second, the principal had a cow when the boys broke the window glass. And third, Sunita had a cow when her friend told her a lie. आपकी friend आपको झूठ बोलती है तो आपको दुख होता है ना, upset हो जाते हो, right? Okay. Then fishy means strange, doubtful or odd. एकदम different होता है, right? उसका example दिया है, I knew something fishy was going on when I saw all my friends' cars in my mom's driveway. कि मुझे लगा कि कुछ doubtful है, right? Okay, दूसरा example है, The police found something fishy in that house. कुछ strange things मिलती है तो, right? Second, there is something fishy in the story. के story में कुछ odd thing है या doubt है, right? And third, the teacher finds that boy's behavior quite fishy. Here quite fishy means strange behavior, right? Okay. Six number, get a lion's share means get the greatest percentage. Here percentage means not percentage, 90%, 20%, ऐसा नहीं. Get the greatest percentage मतलब part, हिस्सा, right? उसका example देखो, my brother got the lion's share of cake. Here lion's share of cake मतलब ज़्यादा part मिलना cake का, right? दूसरे examples है, the elder son got a lion's share in his father's property. के जो बड़ा बेटा है उसको फादर्स की प्रॉपर्टी में से ज़्यादा हिस्सा मिला, right? Second, I got a lion's share of the prize. And third, the young boy got a lion's share of the chocolates. के छोटा बच्चा है उसको चॉकलेट्स में ज़्यादा हिस्सा मिला, right? Okay. Then next है, raining cats and dogs. Miss raining heavily. बहुत बारिश होती है तो उसको क्या कहेंगे? Raining cats and dogs. उसका example है, I forgot my umbrella and it was raining cats and dogs. कि मैं तो umbrella भूल गई और बहुत heavy बारिश हो रही है, right? तो दूसरा examples क्या बनेंगे? First, I can't go out of the house because it's raining cats and dogs. हम कहते हैं ना कि मैं बाहर नहीं जा सकता because it is very rainfall, right? Second, it's raining cats and dogs, so the schools are closed. आपको पता ही है बहुत heavy बारिश होती है तो स्कूल में holiday होती है, right? So हम कह सकते हैं it's raining cats and dogs, so the schools are closed. And third, there is a traffic jam because it's raining cats and dogs. जब heavy बारिश होती है तो traffic jam हो जाता है, right? So तब भी हम use कर सकते हैं कि it's raining cats and dogs, so there is a traffic jam near our house, right? Okay. And last, let the cat out of the bag means tell a secret. Secret बताना. Example, who let the cat out of the bag about the surprise party? कुछ surprise हो और हम कह देते हैं, right? Secret होता है, वो कह देते हैं, तो क्या use होता है? Let the cat out of the bag, right? उसके examples है, The little girl let the cat out of the bag. के छोटी बच्ची ने surprise कह दिया, secret कह दिया, right? Second, Mohan could not wait to share the secret with his father.
so he let the cat out of the bag. And third, Jai is a naughty boy. He let the cat out of the bag and told mother about our picnic. Jai है वो naughty है, so वो अपनी mother से picnic के बारे में secret कह देता है, right? Okay. So students, understand these mediums and their meanings and try to make new sentences using these idioms, right? Okay.